हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज यू असेसमेंट 6। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ 3/8 सेडेड पार्ट, यानी कि टोटल जो पार्ट होने चाहिए वो 8 होने चाहिए और उसमें से 3 पार्ट जो है वो सेडेड होने चाहिए, लेकिन जितने भी पार्ट हों वो इक्वल हों। यह हम पहले फिगर में देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से 4 जो पार्ट हैं वो सडेड हैं, वो भी इक्वल नहीं हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है बी वाला, इसमें 3 पार्ट सडेड हैं और 1, 2, 3, 4, 5 जो पार्ट हैं वो सडेड नहीं हैं और ये टोटल जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं, तो इसका आंसर यही होगा बी। सी हम देखेंगे, तो सी में 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं एक स्मॉल पार्ट दिए हुए हैं, ऊपर जो 3 पार्ट हैं वो बिग पार्ट दिए हुए हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी में सारे जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं, इसलिए बी आंसर होगा। इसी तरह डी में भी जो 3 सेडेड पार्ट है वो इक्वल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो देखेंगे यहाँ पहले में 2/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, यहाँ पे भी बी वाले में भी न्यूमरेटर छोटा है, सी वाले में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए यही वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यही वाला आंसर होगा। डी में भी 19 जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है, 50 जो है डिनोमिनेटर वो बड़ा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 5/4, 4 स्मॉल है और 5 जो है वो ग्रेटर है, तो इस तरह इसका आंसर होगा सी, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। आपके पास यदि 2, नीचे 2 दिया हुआ है, तो 2 टॉफ़ी है, आपके पास 2 टॉफ़ी है आपके पास 2 टॉफ़ी है उसमें से 1 टॉफ़ी आप अपने भाई को दे दिए, यानी कि 2 में से 1 दे दिए, यानी कि हाफ जितना आपके पास था उसका हाफ अपने भाई को दे दिए, तो वही पूछ रहा है कि नीचे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन हाफ से ज़्यादा है। तो मान लीजिए यहाँ 1/4 दिया हुआ है, यानी 4 टॉफ़ी आपके पास है, उसमें से आप अपने भाई को केवल 1 देते हैं, यानी कि हाफ से भी कम देते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हाफ से अधिक पूछ रहा है किस वाले पार्ट में हाफ से अधिक है। यहाँ मान लीजिए आपके पास 7 टॉफ़ी है, उसमें से आप अपने भाई को 2 देते हैं, तो ये भी हाफ से कम हुआ। उसी तरह नेक्स्ट है 8 टॉफ़ी आपके पास है, उसमें से 3 अपने भाई को देते हैं, तो हाफ से आप कम देते हैं, क्योंकि 8 का हाफ 4 होगा, तो 4 यदि आप देते तो वो हाफ होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2, यानी कि 1/2 से भी ज़्यादा हो, आधा से भी अधिक हो। यहाँ मान लीजिए डी ऑप्शन में 4 टॉफ़ी आपके पास है, उसमें से 3 अपने भाई को आप देते हैं, तो इसमें क्या है आप आधे से अधिक देते हैं, यानी 1/2 से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2, तो डी होगा, क्योंकि 4 टॉफ़ी आपके पास है, उसमें से 3 अपने भाई को आप दे देते हैं, तो आधा से अधिक अपने भाई को आप दे देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रैक्शन इक्वेलेंट टू 5/7 इज, यानी कि 5 का
यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो नीचे भी हमको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ देखेंगे 5 5 जा 25 आ रहा है, तो यहाँ 7 4 जा ही हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 5 7 जा 35, यानी कि 5 में 7 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 में भी 7 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 7 जा 49, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीन्स इक्वलेंट मीन्स कि 5 का यदि हम 5 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से करते हैं, तो डेनोमिनेटर से भी हम 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में हम देखेंगे 5 7 जा 35, तो 7 7 जा 49, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है, जबकि और भी कोई ऑप्शन जो है वो इक्वलेंट नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स्ड न्यूमरल फॉर द फ्रैक्शन 37/8 इज, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 37/8 को। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 37 से अधिक ना हो, तो फोर टाइम 8 4 जा 32 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 5 37, तो 37/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। यानी आपने 4 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस, तो हिंदी में आपके 15 में से 13 मार्क्स आए और नेक्स्ट इंग्लिश में आप 17 में से 13 ही पाए आप, और मैथ में 19 में से भी 13 आया आपका, और साइंस में 20 में से 13 आया। तो सबसे अधिक मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में आए, हिंदी में, क्योंकि 15 में से आप 13 गेन किए हैं, तो ये सबसे अधिक है। तो वही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो ए वाला ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 15 में से आपको 13 मार्क्स आपको मिले हैं, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जबकि 20 में से भी आपको 13, 19 में से भी 13, 17 में से भी 13, तो ये कम हो जाएगा, सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो 13/15 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉक्स हैज़ 25 बॉल्स ऑफ विच 9 आर रेड, एक बॉक्स है जिसमें 25 बॉल हैं, और उस 25 बॉल में से 9 जो हैं वो रेड हैं और रेस्ट येलो, और बाकी जितने भी हैं वो येलो हैं। यानी 9 यदि रेड हैं तो रिमेन कितने बचेंगे, 16, तो 16 जो बॉल है वो येलो है, तो अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल, अनिकेत जो है रेड बॉल का 1/3 लेता है, 1/3 ऐसे लिखेंगे, 1/3 ऑफ रेड, रेड कितने हैं 9 बॉल है रेड, तो यहाँ 9 लिख देंगे, मीन्स 1/3 × 9, इसको कट करेंगे तो 3, यानी कि अनिकेत जो है 3 बॉल रेड कलर की लेता है, और येलो कलर के कितनी बॉल हैं 16, तो अनिकेत जो है 1/2 ऑफ येलो बॉल, यानी कि 1/2 × 16, 8 से कट करेंगे, यानी कि 8 बॉल जो है वो येलो कलर की लेता है और 3 बॉल रेड कलर की, तो टोटल बॉल कितने हो गए 11 बॉल।
अनिकेत जो टोटल बॉल लेता है 11 लेता है, यानी कि 25 में से वो 11 बॉल लेता है। तो टोटल बॉल जो कितनी है 25, तो 25 को हमको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि 1/1 हम इसको लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 11/25। पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर द लेफ्ट इन द बॉक्स, यानी कि 25 को हम 1/1 कर लेते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो इसको हम अब माइनस करेंगे कि इसमें से कितने बार बॉल जो हैं वो लेफ्ट हैं बचे हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन निकालेंगे 25, इसका एलसीएम आएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम में 25 आएगा, 25 टाइम में, तो 25 × 1 25 माइनस 25 का 20 इस 25 का इससे डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 16/25, यानी कि ये 11/25 वो ले लेता है, तो रिमेन कितना बचता है 16/25, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 16/25 किस ऑप्शन में है, डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 25 - 11 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, 14/25, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डी इसका आंसर नहीं होगा, करेक्ट इसको हम माइनस करेंगे तो 14/25 आएगा, तो करेक्ट आंसर सी है, 14/25 रिमेन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का कौन पेयर है, तो लाइक फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, लोवेस्ट टर्म में करेंगे, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यानी कि 2/3 और 2/3 ये भी है, तो इसका भी डेनोमिनेटर 3 है, इसका भी डेनोमिनेटर 3 आ गया, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि उसका जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसको हम लोएस्ट टर्म में किए हैं तो इसका आ गया है, लेकिन बाकी जो है लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म, इसमें से कौन जब जो फ्रैक्शन है लोवेस्ट टर्म में है, यहाँ पे ए ऑप्शन है 28/79, तो 79 जो है वो प्राइम नंबर है, ये केवल 1 से कटता है और खुद स्वयं से कटता है, इट सेल्फ से, तो ये जो ऑप्शन है अपने लोवेस्ट टर्म में है, और बाकी जो है ये ऑप्शन कट जाएंगे, जैसे 31 ये 1 टाइम में, 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, तो ऐसे ये भी कट जाएगा। और नेक्स्ट जिसे हमें नहीं पता चलता है कि किस नंबर से दोनों कटेंगे, तो उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 19 से ये 3 टाइम में कटेगा और ये 8 टाइम में, तो इस तरह ए ऑप्शन अपने लोवेस्ट टर्म में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन है 2/3 ग्रेटर है 2/5 से, यानी कि 3 में से ये 2 नंबर पाया है, ये 5 में से 2 नंबर पाया है, तो ग्रेटर कौन है 2/3, क्योंकि 3 में से ही 2 नंबर पाया है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, ये नीचे डेनोमिनेटर दोनों का 9 है,
तो 7/9 इसमें से जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तो 7 बड़ा है तो 7 यहाँ पे ग्रेटर भी दिखा रहा है 7/9 को, तो ये भी राइट है। और 10 10 जा 100 और 11 10 जा 110 तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? डी नंबर है। कैसे? जैसे ये 8 में से 3 मार्क्स पाया है और ये 12 में से 7 मार्क्स पाया है, तो ये रॉन्ग है। 7/12 जो है वो ग्रेटर है, इसको हम 8 और 12 का एचसीएफ निकाल के, एचसीएफ नहीं एलसीएम निकाल के भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा वो 24, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 24 से अधिक ना हो, 3 टाइम, तो 3 3 जा 9 और 12 2 जा 24, तो 7 2 जा 14, यानी कि 9/24 और 14/24, तो दोनों में से ये 24 में से 9 मार्क्स है और 24 में से 14 मार्क्स, तो यानी कि 7/12 जो है वो ग्रेटर है, जो कि इसमें रॉन्ग इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इस तरह से ये जो असेसमेंट 6 है इसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा।